तो एको का सीजन 1 अभी रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। अगर मैं इसको एक लाइन में रिव्यू करूँ तो आराम से 5 एपिसोड्स रिलीज हुए थे, इसमें से 4 एपिसोड आराम से काट सकते थे। एंड आई लिटरली मीन इट, क्योंकि जब हम ट्रेलर में देखे थे आई गेस वो पूरा एपिसोड 1 का ही मटेरियल था। एंड आई लिटरली वॉज एक्साइटेड, क्योंकि जब एको का ओरिजिन दिखाया गया था तब थोड़ा सा ओके, आई वॉज नॉट कनेक्टिंग विद द नेटिव अमेरिकन पार्ट ऑफ दैट बोल सकते हो ओरिजिन स्टोरी, बट जब एको का स्टोरी प्रोग्रेस होता है एंड वो 6 मिनट वाला 1 टेक एक्शन सीक्वेंस होता है, दैट वॉज बस दिस वॉज लिटरली मी वाइल वॉचिंग दैट सीन। एंड यही मेरा इनिशियल रिएक्शन था फर्स्ट एपिसोड तक, जब फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ एंड देन द शो डाइड फॉर मी। क्योंकि एक के बाद एक जो नेटिव अमेरिकन का जो उनका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, हर एक एपिसोड में एक नेटिव अमेरिकन का एक स्टोरी दिखाया जाता है जिससे माया की पावर्स कनेक्ट होती है, एंड आई समवॉट फेल्ट दैट कि द राइटिंग वॉज अ बिट ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दबाजी में, बहुत केयरलेसली, एंड इट वेंट लाइक ऑफ द ट्रैक। डेयरडेविल को इन्होंने ऐसा प्रमोट किया भाई कि ये पूरा छोड़ो यार, मुझे हम दोनों हम लोगों को लिटरली लगा था कि एको और डेयरडेविल का लिटरली लव स्टोरी फॉर्म होने वाला है, बट कुछ नहीं आया भाई, हमारा 2 मिनट का कुटाई करके वो चला गया। एंड ये कुटाई का कौन सा रीजन है, क्योंकि देखो कुछ गुंडे मवाली आ रहे थे, ये भैया हमारे रास्ते में, और डेयरडेविल सुबह निकल के ही मार रहा है लोगों को। दिस इज एमसीयू। बट स्टिल मुझे सबसे अच्छा ये लगा इस सीजन के बारे में कि मुझे जो विल्सन फिस्क चाहिए था वो वाला विल्सन फिस्क मुझे देखने को मिला। आई एम सो प्राउड फाइनली टीवीएमए को ये आराम से जस्टिस समवॉट कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली एपिसोड 2, 3 और 5 में मुझे कहीं टीवीएमए तो नहीं लगा, क्योंकि भाई लोगों को अगर इंडियन मूवीज दिखा दो तो इससे ज़्यादा टीवीएमए हो जाता है अगर हम सीजन्स के बारे में बात करते हैं तो। बट लेट उसको छोड़ते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ कि ये इसको आर रेटिंग मिलना चाहिए। अगर तो मैं पॉजिटिव्स के बारे में बात करूँ एको सीजन 1 की, तो वो पहली बात होगा माया लोपेज, जिन्होंने प्ले किया है अलकवा कॉक्स, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन इन हर एक्टिंग। उसके बाद हम विंसेंट डोनोफ्रियो ले लेते हैं, जिनका लाइक एक स्क्रीन प्रेजेंस रहता है, लाइक एब्सेंस है मुझे उनका, मतलब पीपल आई थिंक पीपल वुड वेट फॉर हिम कि कब वो स्क्रीन में आए। और डेयरडेविल और इसका जब होता है ना, इट मतलब 2017 की पूरी मेमोरीज वैसे ला आ गई वापस, लाइक द हैप्पी डेज आर बैक। एंड टॉकिंग अबाउट द हैप्पी डेज, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया है कि लिटरली जो विल्सन फिस्क होता है उसके टीवी पर दिखाया जाता है कि एक मेयर का इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए वो लड़ने वाला है। एंड भाई हमारे वो देखते हैं, क्योंकि अभी कोई भी लिटरली उसी शहर के लिए मेयर के लिए कोई खड़ा नहीं होता, एंड देयर ही डिसाइड्स मैं क्यों नहीं, मैं आराम से मेयर के लिए खड़ा हो जाता हूँ, मतलब विल्सन फिस्क के बारे में बात करता हूँ। तो इससे यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैथ्यू मर्डॉक के लिए थिंग्स आर गेटिंग प्रिटी फुक्ड अप, बिकॉज अगर आप कॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो विल्सन फिस्क का जो कैरेक्टर होता है, आफ्टर ही बिकम्स द मेयर ऑफ दैट पार्ट ऑफ टाउन, वो मैथ्यू मर्डॉक को पर्सनल लाइफ या फिर उसका जो पब्लिक लाइफ है उसको पूरा, उसका पब्लिक इमेज को उसका डैमेज कर देता है मैथ्यू मर्डॉक का, उसको लॉयर होने से निकाल देता है। एंड लिटरली डेयरडेविल जो कैरेक्टर होता है वो पूरा स्ट्रीट्स रहता है। एंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन डेयरडेविल बॉर्न अगेन, क्योंकि उसका जो इनिशियल सिनॉप्सिस है यही होता है कि वो मेयर के लिए लड़ता है एंड उसके बाद वो डेयरडेविल का इमेज खराब कर देता है। वो सड़क से उठ के स्टार कैसा होता है डेयरडेविल, आई मीन हम लोगों के सामने, क्योंकि अभी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा बनाते हैं वो। तो आई होप डेयरडेविल उतना अच्छा जस्टिस कर सकता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। एंड मडरीपुर का भी 2 टाइम ऑलरेडी लाइक मेंशन हो चुका है, लाइक मडरीपुर लिटरली एमसीयू का चाइना बन चुका है क्योंकि सब माल वहीं से मिलता है। बट स्टिल आई प्रिटी मच मैं बोलूंगा इट्स अ मीडियोकर टाइप ऑफ शो। अगर आप डेयरडेविल का फैन हो आप जरूर से चेक कर सकते हैं, अगर आप विल्सन फिस्क का फैन हो जरूर से चेक कर सकते हैं। बट उसके सिवा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत बड़ा एमसीयू से वैसा कनेक्शन है तो उतना फील नहीं होगा आप लोगों को, इट्स जस्ट लाइक पार्शल कनेक्शन, जैसा आपको नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीरीज में आपको जैसे नोटिस हुआ था, जैसे लाइक एलियन अटैक्स जैसे एक न्यूज़पेपर में जैसे होता है वैसा टाइप का। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू ऑफ माई एको सीजन 1 रिव्यू। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैंने देवरा पार्ट 1 का रिव्यू डाला है, वो जरूर से देख लेना। कैप्टन मिलर का ट्रेलर का रिव्यू डाल दिया, वो जरूर से देखना। उनका जो मूवी है रिलीज होने वाला उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय।